हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है वाटर। हम जल के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा कि जल के एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें प्रकृति से मिलता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था जल की अवस्थाएं। हमने जल की अवस्थाओं के बारे में बात की थी। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपने कहा जल की होती हैं तीन अवस्थाएं, ठीक है। जल की तीन अवस्थाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें आपने अभी तक क्या पढ़ा। आपने कहा जो जल है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। आपको गैसीय रूप में भी देखने को मिलेगा, आपको तरल अवस्था में भी देखने को मिलेगा और आपको सॉलिड अवस्था में भी देखने को मिलेगा। तीनों ही अवस्थाएं मिलती हैं और हमने कहा इन तीनों अवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। आपने कहा तापमान, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे जल की तीन अवस्थाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने तापमान को अधिक किया तो पानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। आपने पानी के तापमान को कम किया, फिर से पानी क्या हो जाएगा, उसी रूप में वापस आ जाएगा। ये चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे, जब हमने कहा था कि अगर यहाँ पे आपके पास पानी है, पानी का एक ग्लास आपने रखा है, ठीक है, सामान्य तापमान है, यानी कि जो आपका रूम टेम्परेचर होता है वो आपका सामान्य तापमान है, ठीक है। वहां पे पानी कैसा होगा? तरल अवस्था में होगा। अब आपने क्या किया, पानी के तापमान को जब आपने अधिक कर दिया, ये जो तापमान है क्या हुआ? अधिक हुआ, ठीक है। तापमान जब अधिक हुआ तो क्या हुआ, जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में क्या हुआ, आपने हीट दी। हीट दी तो क्या हुआ, जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे आपस में जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। हीट की वजह से, तापमान की वजह से वो अलग अलग हो गए हैं, यानी कि उनके बीच का स्थान बढ़ गया है। उनके बीच का स्थान बढ़ा तो ये मॉलिक्यूल इधर की ओर चला गया है, ये मॉलिक्यूल इधर की ओर चला गया है, ये मॉलिक्यूल इधर की ओर चला गया है, यानी कि मॉलिक्यूल अब इधर से उधर क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। जैसे कि आप गैस में देखते हैं या महसूस करते हैं, आपने हवा को महसूस किया है। जब आपने अगरबत्ती जलाई तो आपने देखा अगरबत्ती को जलते हुए, कैसे वो जो गैस है वो एक जगह से दूसरी जगह विस्तृत हो रही है, ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो क्यों डिफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल फ्री हैं आपस में, ठीक है, वो स्वतंत्र हैं, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी गति कर रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि अगरबत्ती की जो खुशबू है वो सारे रूम में फैल जाती है और सारे घर में भी फैल जाती है, ठीक है। आपने क्या किया, पानी को गर्म किया, तापमान दिया, पानी गैसीय रूप में परिवर्तित हो गया। अब आपको क्या चाहिए कि जो भाप बन गई थी उसे फिर से आपको पानी बनाना था। तो आपने क्या किया, आप जस्ट उल्टा कर लेंगे, आप तापमान को कम कर देंगे। कम का मतलब है कि आप क्या करेंगे, जो पानी है जिसे आप बॉईल कर रहे थे उसे आप नीचे रख लेंगे चूल्हे से उतार करके, और अब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ढक्कन रख लेंगे, ठीक है। क्यों ढक्कन रखेंगे? क्योंकि इस भाप को आपको पानी में परिवर्तित करना है। जब आपने ढक्कन रखी, तापमान कम हुआ और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो भाप बनी थी वो अब फिर से पानी बन गई है, क्योंकि जिस हीट की वजह से, जिस तापमान की वजह से पानी के मॉलिक्यूल अलग अलग हुए थे अब वो नहीं है। तो जो पानी के मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे अपने आपस में जुड़ जाएंगे। जब आपस में आएंगे तो भाप से क्या होगा, पानी बन जाएगा, क्योंकि अब जो पानी के मॉलिक्यूल है वो इतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मूव करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा कि गैस की तरह कहीं भी भाप उड़ के निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, पानी तरल रूप में आ गया है। अब आपने क्या किया, इस तरल रूप को आपको क्या करना है, ठोस अवस्था में बदलना है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या देख रहे हैं, अगर आप क्रम देखेंगे, चाहे आप यहाँ से यहाँ का क्रम देखें, यहाँ से यहाँ का क्रम देखें, या यहाँ से यहाँ का क्रम देखें और यहाँ से यहाँ का क्रम देखें, आपको एक चीज सेम दिखाई दे रही है, वो ये है कि पानी के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच का स्थान, ठीक है। आपने कहा पानी के मॉलिक्यूल के बीच में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान यहाँ पे है। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप पानी की बात करेंगे, आपने कहा एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। क्या है, कंपैरेटिवली पास पास है। अब जब आपने यहाँ की बात की, आपने कहा कि यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल हैं ये अपने आपस में क्या है, बहुत पास पास जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमने कल क्या लिया था, बॉल का एग्जाम्पल लिया था। हमने कहा था आपने एक डब्बा लिया, एक डब्बे में आपने क्या की बॉल रख दी है, आपने तीन डब्बे लिए हैं, हर डब्बे में 10 बॉल आती हैं। तो पहले डब्बे में आपने 10 बॉल डाल दी हैं, ठीक है। पहले डब्बे में जब आपने 10 बॉल डाल दी हैं, अब डब्बे को आप इस प्रकार से हिलाएंगे तो बॉल हिल नहीं रही हैं, क्योंकि सारा जो स्पेस है वो भर गया, सारी जगह भर गई है, रिक्त स्थान है ही नहीं। तो जो बॉल है उनमें कोई गति नहीं होगी। यही सेम हो रहा है किसमें, सॉलिड में,
ठीक है, हमने कहा जो दूसरा डब्बा था उसमें आपने 6 बॉल रखी हैं, और अब आपने जब डब्बे को इस प्रकार से मूव किया तो वहां पे जो बॉल हैं वो मूव हो रही हैं, वो हिल रही हैं, क्योंकि रिक्त स्थान पाए जा रहे हैं। ये बात हो रही है किसकी? लिक्विड की। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो तीसरा आपका डब्बा था उसमें आपने सिर्फ 3 बॉल डाली हैं, और आपने क्या देखा, देखिए गति तो यहाँ पर भी हो रही थी जब आपने डब्बे में सिर्फ 6 बॉल डाली हैं, जबकि जगह कितनी थी, 10 बॉल की जगह थी, आपने सिर्फ 6 डाली हैं, फिर आपने डब्बे को हिलाया, वहां पे गति हो रही है, लेकिन आपने फिर क्या किया, उसी उतने ही डब्बे को आपने लिया जिसमें 10 बॉल जा सकती थी, आपने सिर्फ 3 बॉल डाली हैं, और आपने जब डब्बे को हिलाया यहाँ पे सबसे ज्यादा गति देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है किसकी, गैसीय अवस्था की। अब आपको क्या करना है, आपको अगर क्या करना है, यहाँ पे सॉलिड अवस्था लेके आनी है या ठोस अवस्था लेके आनी है, यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको पूरे डब्बे को भरना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉल को पास पास आपको रखना पड़ेगा, और बॉल को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्टिवली क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बॉलों के बीच में मूवमेंट चाहिए तो आप कम बॉल वहां पे डालेंगे, तो सेम चीज यहाँ पे यही हो रही है, अगर हमें सॉलिड अवस्था चाहिए या हमें क्या चाहिए, ठोस अवस्था चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा पास लेके आएंगे। और ज्यादा पास कैसे लेके आएंगे, आपने कहा आप क्या कर देंगे, तापमान को कम कर देंगे, क्या करेंगे, तापमान को आप कम कर देंगे, कैसे करेंगे, सामान्य तापमान से और तापमान आपने कम कर दिया, आपने फ्रीज का यूज किया है, आपने फ्रीजर में पानी को डाला और वहां पे तापमान बहुत कम कर दिया, तापमान जैसे जैसे कम हुआ वैसे वैसे पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सटने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, और क्या होगा, आपको बर्फ मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्या मिलेगी, बर्फ मिलेगी। अब आपने क्या कहा, अब आपने बर्फ को अगर फिर से पिघलाना है तो आप क्या करते हैं, आप बर्फ को निकाल देते हैं। ठीक है, और कमरे के तापमान पर आप रखेंगे, आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में जो बर्फ है वो पिघल करके क्या बन गई है, पानी बन गई है, क्योंकि तापमान अधिक हो गया था। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, तापमान अधिक हो गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, ये बातें हम यहाँ पे डिस्कस काफी बार कर चुके हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस क्या होते हैं। ठीक है, और ठोस द्रव गैस जो अवस्थाएं हैं वो किस बात पर निर्भर करती हैं, तो पढ़ लेते हैं हमें क्या चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। हमें कहा गया है पानी तीनों अवस्थाओं, ठोस द्रव और गैस में मौजूद हो सकता है या होता है। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है पानी। सबसे पहले द्रव अवस्था की बात हो गई है, फिर गैस अवस्था, फिर ठोस अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था की, क्योंकि सबसे पहले आपने यहाँ पे ठोस अवस्था का डायग्राम देखा है। आपने क्या कहा, आपने कहा पानी ठंडा होने पर बर्फ में बदल जाता है, और बर्फ पानी का ठोस रूप है। जब पानी जम जाता है, तापमान बहुत कम हो गया, पानी जम गया, तो ये पानी का ठोस रूप है। द्रव में आपने क्या पढ़ा, आपने कहा दैनिक जीवन में हम जिस जल का उपयोग करते हैं वो द्रव अवस्था है, इसे जल की द्रव अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपकी द्रव अवस्था। गैसीय अवस्था में आपने क्या देखा, हमने सीखा है कि गर्म करने पर पानी भाप बनकर वाष्प बन जाता है, और जल वाष्प इसकी गैसीय अवस्था है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या कहा गया है कि पानी की ये तीन अवस्थाएं एक दूसरे से परस्पर परिवर्तनीय है, यानी हम इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, क्या रीजन है बदलने का, ये हम सारी चीजें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे और आप ऑब्जर्व करते रहेंगे कि जल की अवस्थाएं कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रही है। अब आपके पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो है जल चक्र। क्या है जल चक्र, क्या होता है जल चक्र, देखिए चक्र का क्या मतलब है, चक्र का सिंपल सा मतलब क्या है, चक्र का सिंपल सा मतलब है कि आप यहां पे खड़े थे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यहां पे खड़ा था, अब उसने यहां पे यहां से चलना शुरू किया और वो यहां पे आ गया है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, उसने यहां से चलना शुरू किया और वो चलता गया चलता गया, और एट लास्ट वो वहीं पे आ गया है। क्या है ये चक्र, आपको दिखाई दे रहा है, पूरी साइकिल आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो जल चक्र आप पढ़ेंगे कुछ यही पढ़ेंगे, आप देखेंगे कुछ यहाँ से शुरू हुआ था, फिर इस प्रकार से घूमा और यहाँ पे फिर उसी
जगह आकर के उसी अवस्था में वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा एक चक्र बन जाता है। तो जल चक्र में आप क्या पढ़ेंगे, जल चक्र में आप ये देखेंगे जो वर्षा होती है वो कैसे होती है। ठीक है, हमने कहा कि जो जल का मुख्य स्रोत है वो क्या है, बारिश का पानी है, और आपने कहा भूमिगत जल है। तो हमने कहा भूमिगत अगर जल है तो भूमि से हम जल निकालते रहते हैं, आपने देखा हैंडपंप का यूज हम करते रहते हैं। ठीक है, अब बोरिंग का पानी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये जो पानी है ये समाप्त क्यों नहीं हो जाता है, या बारिश कैसे होती है, उसका क्या रीजन है, यही आप क्या करेंगे वॉटर साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात कर लें। तो वाटर साइकिल पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, आपको बात करनी पड़ेगी वाष्पीकरण की और वाष्पोत्सर्जन की। ठीक है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्पीकरण की, जिसे आप क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, आप वाष्पीकरण को इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन अभी अभी आपने पढ़ा है, आपने कहा इवेपोरेशन क्या होता है, जल जब क्या होता है, भाप की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जल का वाष्प के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण यानी कि क्या हो रहा है, वाष्प यहाँ पे बन रही है, वाष्प बनने की, जल के द्वारा वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। अभी आपने क्या कहा, आपने कहा जब आपने पानी की जो तरल अवस्था थी, पानी की जो तरल अवस्था थी उसे आपने गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया, कैसे परिवर्तित किया, आपने पानी को गर्म किया और पानी क्या हुआ, भाप के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, अब पानी का भाप बनना ही क्या है, वाष्पीकरण है। एक तो ये चीज यहाँ पे होती है, दूसरा आपके पास आता है ट्रांसपीरेशन, जिसे आप वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तीसरा दूसरा आपके पास क्या आता है, ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन आपने क्या पढ़ा था, जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा है, आप क्या आपने क्या पढ़ा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और इस प्रक्रिया को आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, पत्ती में होती है। ठीक है, पत्ती में होती है। पत्ती में एक और चीज होती है, जब पौधे में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, आपने क्या देखा कि कोई भी चीज है, चाहे वो पानी है चाहे वो पोषक तत्व है, एक लिमिटेड मात्रा में ही सबको चाहिए होते हैं। चाहे हम अपनी बात करें, हमने कहा ऐसा नहीं होता है कि हम कितना भी खाना खा लें, एक क्या होती है, एक लिमिटेड अमाउंट होती है और उतना ही हम खाना खाते हैं। तो कहा जाता है कि जितनी हमें आवश्यकता हो हमें खाना उतना ही खाना चाहिए। अगर हम उससे ज्यादा खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अगर हम उससे कम खाना खा रहे हैं तो क्या होता है, हम कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, वीकनेस आ जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है और उसी अमाउंट की आवश्यकता हर चीज को होती है। चाहे हम बात करें पौधों की, ऐसा नहीं होगा कि आप पौधों को पानी ही दे रहे हैं, सारे दिन भर आप पानी देते चले जा रहे हैं, तो अगर आपने ज्यादा पानी दे दिया तो उससे भी जो पौधा है वो खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होते हैं, जो छोटा सा पौधा होगा उसे ज्यादा पानी देने से वो सड़ जाता है। क्यों सड़ जा रहा है, क्योंकि उसे उतनी अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, उसे उतना ही पानी दिया जाना चाहिए जितना वो यूज कर सकता है, या फिर वो एक्स्ट्रा पानी को निकाल सकता है। तो क्या होता है कि जो पेड़ है, पेड़ में क्या होता है, पानी जाता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, लेकिन जितना पानी पेड़ एब्जॉर्ब कर रहा है या अवशोषित कर रहा है उतना ही वो यूज नहीं करता है। वो क्या करेगा, जितना उसके काम का पानी है, जितने अमाउंट की उस पौधे को आवश्यकता है वो उतने पानी को यूज करेगा, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है, वो उसे क्या कर देता है, भाप के रूप में पत्ती के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि पत्ती में ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे आप स्टोमेटा कहते हैं, आपने देखा भी होगा। मैंने आपको कहा है जब भी आप पत्ती को देखें तो आप इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, वो होते हैं स्टोमेटा। अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस लीफ में बहुत सारा पानी भर गया, ये पूरा क्या है, पानी भर गया। ठीक है, अब पानी को क्या करना है, एक्स्ट्रा पानी को पौधे को बाहर निकालना है, तो वो इसी स्टोमेटा के द्वारा क्या करेगा, पानी को बाहर निकाल देगा। ठीक है, पानी को बाहर निकाल देगा, लेकिन किस अवस्था में निकालेगा, कुछ देर पहले आपने क्या पढ़ी है, पानी की अवस्थाएं पढ़ी है।
ये था तरल अवस्था में, ठीक है। कुछ देर पहले आपने पानी की अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठीक है। तीन अवस्थाएं पढ़ी हमने, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पत्ती के अंदर पानी था, ये मैं एल आपको दिखा रही हूँ, एल का मतलब है लिक्विड, ठीक है। एल का क्या मतलब है? लिक्विड यानी कि तरल। तो पौधे की पत्ती में जो पानी था वो तरल अवस्था में था, ठीक है। अब क्या हुआ, पानी ने, ये जो एक्स्ट्रा पानी था पौधे को इसे बाहर निकालना है, तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा की सहायता से पानी को बाहर निकाल देगा। लेकिन किस अवस्था में इसने निकाला? इसने निकाला गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय अवस्था में निकाल दिया है। और इसी प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसपीरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे या फिर वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। अब आप सोचेंगे कि ट्रांसपीरेशन कहिए या इवेपोरेशन कहिए, दोनों में प्रोसेस तो एक ही हो रही है, ठीक है। आप कहेंगे वाष्पीकरण कहिए या वाष्पोत्सर्जन कहिए, प्रोसेस एक ही हो रही है। देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो वाष्पीकरण है वो कहीं भी हो जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि नदियों में अगर पानी भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है वो वाष्पीकरण है। आपने पानी को बॉइल किया और पानी भाप बनकर उड़ रहा है वो क्या है, वाष्पीकरण है। आपने गीले कपड़े सुखाए और वो कपड़े कैसे सूखते हैं, जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ता है। कभी आप देखिए, आप नोटिस कीजिएगा, जब आप पानी, जब आप गीले कपड़ों को डालते हैं तो जैसे कुछ देर क्या आती है, सूर्य की रोशनी उन कपड़ों पर पड़ती है, तो आप इस प्रकार से हाथ लगाएंगे उन कपड़ों पर, जैसे कि कपड़ा ये है, आपने इतने पास से हाथ लगाया तो आप फील करेंगे आपको कुछ गर्माहट फील होती है। तो क्या वो गर्माहट है, वहां पे जो पानी है वो भाप बनके उड़ रहा है, वो आपको फील हो सकता है, ठीक है। वो भी क्या है, वाष्पीकरण है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, ट्रांसपीरेशन क्या, आपने कहा पौधों के द्वारा जल की जो गैसीय रूप में जो हानि होती है, ठीक है। आपने कहा कि जो पौधों के द्वारा पानी की होने वाली हानि है उसे आप कहते हैं ट्रांसपीरेशन। यानी कि ट्रांसपीरेशन जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया है, प्लांट्स के लिए यूज किया गया है। जब भी पौधों के द्वारा पानी बाहर निकाला जाएगा गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में निकाला जाएगा, उसे आप कहेंगे ट्रांसपीरेशन। इतनी बात क्लियर है आपको, आपको दो चीजें समझनी है, इवेपोरेशन क्या होता है और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये दोनों शब्द आपने समझ लिए हैं। अब देखते हैं, आपको बताते हैं जल चक्र के बारे में। सबसे पहले आपको बताया गया है कि पानी कभी भी हिलना बंद नहीं करता है, जो पानी है वो कभी भी हिलना बंद नहीं करता है, शांत नहीं रहता है। अब आप सोचेंगे कि जब आपने पानी के ग्लास को एक मेज पे रखा हुआ था और आपने बहुत देर बाद जब आपने रखा तब तो वो हिलेगा आपके हाथ से, लेकिन जब आपने उसे शांत छोड़ दिया है तो पानी आपको हिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। देखिए पानी तब भी हिलता रहता है क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, पानी की बात हो रही है। जब भी पानी की बात हो रही है, पानी का मतलब है कि हम तरल अवस्था की बात कर रहे हैं, जिस पानी को आप पीते हैं हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। पानी कभी भी हिलना बंद नहीं करता है, पानी के जो मॉलिक्यूल है उनमें गति होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तरल अवस्था में है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में स्थान है, ठीक है। हमें वो दिखाई नहीं देता है वो अलग बात है, तो अगर आपको देखना हुआ तो कैसे देखेंगे, देखिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आपको बताया जाता है कि आपने जो पानी का ग्लास है जो कि शांत है, जो कि आपने स्थिर छोड़ा हुआ है एक मेज पर, आप उसमें कुछ ड्रॉप इंक डाल लेंगे या कोई भी आपने कलर डाल लिया। अब आपने क्या देखा, आप देखेंगे धीरे धीरे बिना हिलाए हुए भी वो कलर एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास पानी का ग्लास है, ये आपके पास क्या है, पानी का गिलास है। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये इंक आपने क्या कर दी है, ऐड कर दी है। आप क्या देखेंगे, आपने हिलाया नहीं है पानी को, आपने सिर्फ ऊपर से इंक डाली है और आप देखेंगे ये इंक धीरे धीरे करके क्या होगी, फैलने लगेगी। धीरे धीरे करके जो इंक है वो फैलने लगेगी। तो इसका क्या मतलब है, वो कैसे फैल रहा है, क्योंकि उस इंक को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और वो इंक मूव कैसे करेगी, जब पानी के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो इंक को भी क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। वो इस कलर को क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। तो जो पानी आप देखते हैं शांत है, आपने क्या कहा कि जिस पानी को आप देखते हैं कि वो स्टेबल है, वो शांत है, वो स्थिर है, वो स्थिर नहीं रहता है, बल्कि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में गति होती रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट आपने कहा जल चक्र मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से जल की सतत गति की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अब आप देखिए क्या है जल चक्र। जल चक्र क्या बताता है, पृथ्वी की सतह से जो आपकी अर्थ है, आपकी अर्थ से जल की सतत गति की प्रक्रिया का वर्णन है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जल की क्या हो रही है, लगातार एक गति हो रही है। अब कहाँ को वो गति हो रही है, ठीक है, कैसे वो गति हो रही है, वो इसी चक्र में हम पढ़ेंगे। लेकिन जल चक्र आपको क्या बताता है, जल चक्र बताता है कि क्या है, जल चक्र में जल पृथ्वी से एक कंटिन्यूअसली गति कर रहा है। वो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगा यानी कि आपके वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से पृथ्वी पर आएगा, जैसे कि आपको इस चक्र में दिखाया गया है। पृथ्वी पर आपको जल दिखाई दे रहा है, अलग अलग आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, निकाय दिखाई दे रहे हैं, जल निकाय, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे समुद्र भी है, यहाँ पे तालाब भी है, यहाँ पे पौंड भी है, सारी यहाँ पे क्या है, जल निकाय है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं। तो जल निकायों से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। पेड़ पौधों से क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ठीक है। और कहाँ जाएगा ये पूरा जाएगा आपके वायुमंडल में। अब वायुमंडल से फिर से ये पानी है ये नीचे आ जा रहा है, यही आपका क्या है, जल चक्र है, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया है, जल चक्र मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से जल की सतत गति की प्रक्रिया का वर्णन करता है और इसे आमतौर पर चार अलग अलग चरणों में जाना जाता है। तो जब भी आप जल चक्र पढ़ेंगे, अभी से आप जल चक्र पढ़ेंगे, तो जल चक्र को आप एक पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, आप अलग अलग स्टेप समझाएंगे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी वायुमंडल में जा रहा है और वायुमंडल से नीचे आ जा रहा है, इसके बीच में भी बहुत सारे स्टेप हो रहे हैं, तो आपको अलग अलग स्टेप को अलग अलग करके समझाना है। नेक्स्ट आपको कहा गया है संपूर्ण चक्र सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है और इसे जलीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि पूरा जो चक्र है वो किस पर डिपेंड करता है, आपने कहा वो सूर्य पर डिपेंड करता है, सूर्य की जो रोशनी है उस पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपने जल की अवस्थाएं पढ़ ली हैं। आपने क्या कहा, जो जल की अवस्थाएं हैं वो किस बात पर निर्भर करती हैं, टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं। अब आपको अगर हम कहें कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, आपने कहा कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से भी क्या मिलेगी हमें, तापमान मिलेगा। तो इसीलिए जो सूर्य का प्रकाश है वो जल चक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं वो कौन कौन से स्टेप होते हैं जो कि आपको जल चक्र के बारे में बताते हैं। आपने कहा पहला होगा वाष्पीकरण, दूसरा होगा संघनन जिसे आप कंडेंसेशन कहते हैं, तीसरा होगा अवक्षेपण और चौथा होगा संग्रह, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चारों स्टेप को आप एक बार क्या करिए देखिए। चलिए, तो आपने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस होती है वाष्पीकरण की, ठीक है। वाष्पीकरण आप समझ गए हैं क्या होता है वाष्पीकरण। आपने क्या कहा, आपके पास अलग अलग जल निकाय हैं, ये आपका ग्राउंड वाटर आ गया है, ये आपका सरफेस वाटर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीजें आप देख रहे हैं, यानी कि जितनी भी जल निकाय आपको देखें, जल निकाय का क्या मतलब है, जहां पर जल रहता है, जैसे कि समुद्र हो गए हैं, तालाब हो गए हैं, ये सारे क्या है, जल निकाय है, ठीक है। तो इन जल निकाय से क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी। आप समझ रहे हैं वाष्पीकरण में क्या होगा, जो पानी तरल अवस्था में है वो भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ेगा, ठीक है। कहाँ की ओर उड़ेगा, भाप बनकर उड़ेगा। ये आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वाष्पीकरण की प्रोसेस हो रही है। ये आपने क्या कहा, वाष्पीकरण की प्रोसेस हो रही है, जिसे आपने क्या कहा, इवेपोरेशन कहा, ठीक है, इवेपोरेशन होगा। इसी के साथ क्या क्या होगा, यहाँ पे आपने कहा ट्रांसपीरेशन भी होगा, वाष्पोत्सर्जन भी होगा। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, सेम जो पानी है वो तरल अवस्था से भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ रहा है, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन होगा वो कहाँ से होगा, पेड़ पौधों से होगा, ठीक है। वो कहाँ से होगा, पेड़ पौधों से होगा, पहला स्टेप आपको यही बता रहा है। दूसरे स्टेप में होता है कंडेंसेशन यानी कि संघनन। अब क्या हुआ, जब टेम्परेचर, जब जो जल निकाय थे उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो तापमान क्या हो गया है, बढ़ गया है। यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा,
तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का रिक्त स्थान बढ़ेगा। पानी के मॉलिक्यूल के बीच का रिक्त स्थान बढ़ा तो ये क्या करेंगे, भाप बनकर ऊपर की ओर उड़े, ऊपर की ओर उड़ गए हैं। अब जैसे जैसे ऊपर गया भाप, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर गया वैसे वैसे वहां पे तापमान कम होने लगा, जो हमारा वायुमंडल था वहां पे जो तापमान है वो कम होने लगा। अब क्या होगा, तापमान कम होने लगा, आपने कहा कि जो भाप बना था वो क्या होगा, धीरे 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 क्या होने लगेगा, वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में आने लगेंगे, वो चिपकने लगेंगे और पानी में परिवर्तित हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है, कंडेंसेशन होता है और ये जो भाप थी अब ये किस में बदल गई है, बादल में, किस में बदल गया है, बादल में परिवर्तित हो गया है। है क्या बादल, जो पानी की बूंदे होती हैं उन्हीं का कलेक्शन होता है बादल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तापमान कम हुआ और यहाँ पे बादल में परिवर्तित हो गए हैं। जब बादल में परिवर्तित हो गए तो क्या हुआ, जो बादल थे बादल की जो आपस में क्या हुआ, घर्षण हुआ, ठीक है, फ्रिक्शन हुआ है। और जब घर्षण हुआ तो आपने क्या देखा कि जो बादल थे उनमें जो पानी की जो बूंदे थी वो क्या हो गई है, बारिश के रूप में नीचे की ओर आ गई है। सिंपल सी प्रोसेस थी, ठीक है। आपने कहा वाष्पीकरण हुआ, पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा, क्योंकि ऊपर कम तापमान था तो पानी की बूंद, जो पानी था जो भाप था वो उसके मॉलिक्यूल के बीच का स्थान कम हुआ और अब वो पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और यहाँ पे बादल इन्होंने बना लिया है। बादल बनाया तो बादलों के बीच में आपस में घर्षण हुआ और घर्षण से क्या हुआ, जो यहाँ पे पानी था वो बारिश के रूप में कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या हुआ, संग्रह हुआ, संग्रह यानी कि जो पानी था कुछ तो क्या था, जो कुछ पानी था वो नदियों में जाएगा, कुछ तालाबों में जाएगा, कुछ समुद्र में जाएगा, कुछ कैसा कहाँ जाएगा, यहाँ पे ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत हो जाएगा। आपने क्या कहा, जैसे आप फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं वैसे ही आपका ग्राउंड वाटर भी चार्ज होता है। आपने क्या किया, आप बहुत सारे जो हैंडपंप थे उनका यूज करते हैं पानी को निकालने के लिए, ठीक है। पानी कम होता है, बारिश आती है और फिर से वो पानी वहां पर भर जाता है, आपका जो भूमिगत जल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, जो मैदान है उन्हें, जो मिट्टी वाले मैदान है उन्हें आपको सीमेंट में परिवर्तित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सीमेंट अगर आप लगा लेते हैं तो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है, जो आपकी जमीन है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, पानी को एब्जॉर्ब सिर्फ मिट्टी ही कर पाती है, ठीक है। और अगर पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी तो आपका जो ग्राउंड वाटर है वो चार्ज नहीं हो पाएगा, इसी वजह से क्या होता है, पानी की कमी भी हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो साइकिल है आपकी इसे आप नोटिस कीजिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, एक साइकिल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो इस साइकिल को आपने क्या करना है, नोट करना है। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पे पढ़ा है जल चक्र के बारे में, तो जो भी आपको बताया गया है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। इसी के साथ आपने क्या करना है, जो वाटर साइकिल है उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।